हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरा क्लास टेंथ के सवाल है जो मैथ का है, प्रश्नावली 9.1 का। तो मेरा यहाँ पे छठा क्वेश्चन है। इससे पहले के हम सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, आप लोग जा करके वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है छठा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर छठा को हम पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए यहाँ तक हम डायग्राम बनाते हैं। यानी कि 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो हम बनाते हैं लड़का का फोटो। ये मान लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है, जिसको अंग्रेजी में हम बॉय लिख देते हैं। कहता है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। माना कि यहाँ 30 मीटर ऊंचे भवन है यहाँ, और इसे कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, और भवन की ऊंचाई कितना, 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 30 मीटर। ए साइड भवन है। और कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आँखों से, तो चलिए हम जमीन के समांतर इसकी आँखों से एक रेखा खींचते हैं। लड़का यहाँ खड़ा है और इसको आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 है, और चल कर जाता है तो 30 से 60 हो जाता है, और इधर जाता है तो मेरा 60 हो जाता है। माना कि चल कर यहाँ लड़का है और चल कर के यहाँ आ गया, तो ये तो मेरा 60 हो गया। यहाँ उन्नयन कोण इसको आँखें से बन रहा है, ये मेरा 60 हो गया। तो कहता है कि बताइए कि भवन के कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि लड़का कितना दूरी तय किया है वो हमें पता करना है। तो यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, तो ये तो बराबर है दोनों, ये दोनों तो बराबर ही हैं। और यहाँ देखिए ये 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो समांतर है, तो ये भी तो इतना 1.5 मीटर होगा, यानी कि ये भी 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो ये पूरा 30 है और इसमें से हम 1.5 घटा देंगे तो इतना की लंबाई मालूम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो 30 में से 1.5 घटेगा तो हो जाएगा 28.5, तो हो जाएगा 28.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गया 28.5। ये फोटो तो क्लियर है। अब चलिए हम निकालते हैं, हमें ये दूरी निकलना है, ये दूरी हमें पता करना है। अब इसका नाम हम देते हैं त्रिभुज ए, ये पॉइंट है बी, और सी, ये है डी। चलिए इसका भी नाम देते हैं डी ई एफ और जी। ये नाम हो गया। अब हम लिखते हैं लड़का चल कर गया ई एफ, तो ई एफ और ए डी बराबर है क्योंकि दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए, इस त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आधार है, थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा तो लंब हो जाता है, ए भी थीटा है तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये समकोण है तो समकोण के सामने का भुजा एक कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण है। चलिए मेरा ये भुजा दिया हुआ है तो ये भुजा हम निकालते हैं, उसके बाद पूरा भुजा निकालेंगे, और पूरा में से क्या करेंगे कि इतना हम घटा देंगे तो मेरा ये पता हो जाएगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज सी डी बी में, बी सी डी में, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, हल में त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा में, मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला लागू होगा क्योंकि टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और थीटा मेरा कितना डिग्री है, थीटा मेरा इस त्रिभुज में 60 डिग्री है, यहाँ लेंगे 60, और लंब कितना है, लंब मेरा 28.5 है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बी सी लिख देते हैं, यहाँ पे बी सी बटे बी डी। तो टेन 60 के मान होता है √3 बराबर, और बी सी के मान 28.5, और बी डी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बी डी,
और ये बटे कुछ नहीं है तो एक हम देते हैं उसको क्रॉस गुना करते हैं, BD में रूट थ्री से गुना करेंगे तो रूट थ्री BD हो जाएगा बराबर 28.5, में एक से गुना करेंगे तो 28.5 हो जाएगा, यानी कि BD बराबर हो जाएगा 28.5 और रूट थ्री इधर भाग में आ जाएगा, ये हो गया, इसको हम समीकरण एक मानते हैं। अब हम चलेंगे त्रिभुज BCA में, यानी कि ABC में। अब लिखते हैं, अब त्रिभुज ABC में, ABC में मेरा ये मेरा थीटा है तो थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये पूरा आधार हो जाएगा, तो टैन थीटा में लंब बटे आधार होता है तो हम टैन थीटा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया। तो थीटा मेरा कितना है, थीटा मेरा यहाँ 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं टैन 30 डिग्री लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा, ये आधार मेरा, इसको हम ऐड करके लिखते हैं AD जोड़ DB, क्योंकि ये पूरा आधार है मेरा तो इसको हम टुकड़ा करके लिख सकते हैं AD जोड़ DB, यहाँ पर लिखते हैं AD जोड़ DB या BD बात बराबर है, ये हो गया। और टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, और BC का मान कितना है तो BC का मान मुझे मालूम है 28.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 28.5, और AD तो हमें पता करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये चल कर गया है तो हमें पता करना है AD, तो यहाँ पर लिखते हैं AD के AD रहेगा प्लस BD, तो BD का मान कितना है तो BD का मान यहाँ पे 28.5/3, तो यहाँ पे लिखते हैं BD को हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे BD हम रखते हैं, इसको हम क्रॉस गुना करते हैं जो आसान हो जाएगा, तो इधर होगा AD प्लस BD बराबर हो जाएगा 28.5/√3, ये हो गया। अब AD रहेगा प्लस, अब BD का मान यहाँ समीकरण एक से लेंगे 28.5/√3, तो हो जाएगा 28.5/√3 बराबर हो जाएगा 28.5/√3, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे कि इसको है ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे AD बराबर 28.5√3 और माइनस 28.5 और √3 माइनस में आ गया, इसको हम बटे पर घटाव करेंगे तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुना हो जाएगा क्योंकि √3 में √3 से गुना हुआ था वो 3 हो जाएगा और 3 में यहाँ से गुना करते हैं तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल है, 3 × 8 = 24, इसको हम घटाव करेंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दशमलव होगा, और ये 5 है तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, 5 × 4 = 15, 15 में से 8 घटेगा 7 हो जाएगा, और ये 7 हो गया तो 7 में से 2 घटेगा 5 यानी कि 57 और √3, तो 57 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 × 57 यानी कि 19 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और √3 और √3 से √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या आ गया 19√3 19√3, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया, यानी कि लड़का भवन की ओर चल कर गया 19√3 मीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।